तो था, नहीं मुझे नहीं भाई कुछ भी करना है मुझे नहीं करना इंच सेट हो गया है मेरे लिए माय पेरेंट्स के मुझे मेरी अच्छी खासी मेडिकल की डिग्री छोड़ के यूट्यूब पर विडियोज बना रहे देशन माय हाउस वो एक चस्का चढ़ गया था कि हाँ करना है तो कॉफी करना है Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to another video. Eid Mubarak. ये मेरा traditional video है मेरे channel पर इसी video के साथ मैंने अपना channel शुरू किया था कुछ सात साल पहले in 2017. The first video I posted on my channel was my Eid get ready with me. और तब से वो प्रथा चली आई है कि Eid के दिन I will फिल्म गेट रेडी विथ मी आप लोग के साथ तैयार होंगी आपके साथ बातें करूंगी आपके क्वेश्चन आंसर करूंगी मैंने कुछ टाइम पहले एक्चुअली एक महीने पहले कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि इतना कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है और आपको कितने सारे क्वेश्चन होंगे मेरी लाइफ के बारे में कि क्या हो रहा है सारा कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है Did you have asked me lot of things from my business to my health to my relationship to my family to finances. I have questions many of video questions in this So I'm sure you're going to have a great time. Go grab your Sheer and Biryani and dive into the video. But if this is the first time you've come onto my channel, you have no idea who I am. Then hi, I'm Sarah. I make beauty and lifestyle content here on YouTube. Take a moment, hit that subscribe button, join the Sarah Squad. I'm sure you'll love it here. And also don't forget to hit the bell icon right next to it so that every time I upload a video,

यू नेम इट एन हेफ चाइडेड फॉर माई पी सी ओ एस और मेरे लिए आज तक कुछ भी इतना काम नहीं किया है एक्सेप्ट वन पीरियड ऑफ माई टाइम बिफोर ट्वेंटी ट्वेंटी लाइक ट्वेंटी नाइनटीन में आई आर गॉन डेयरी फ्री कम्प्लीटली एंड साथ में आई वॉज ऑन बर्थ कंट्रोल तो जब मैंने दोनों साथ में किया था दैट हैड हेल्प मी आर लॉड बट राइट नाउ वट आई एम डूइंग माशाला आई कैन सी द मोस्ट रिजल्ट आई एम नॉट सींग दैट मेरी क्लियर स्किन हो गई है एंड एकदम से ही सब कुछ रेगुलराइज हो गया है सारे सिम्टम्स नहीं गए पी सी ओ एस के

ज गुड माई स्किन केयर इज गुड हर एक चीज अच्छी है मेरी स्किन माशाला बहुत अच्छी है बट स्टिल आई गेट लाइक दिस वन पिंपल ओवर योर विच विल जस्ट क्रॉप अप बिकॉज सम हारमोन इज आउट ऑफ बैलेंस एंड हार्मोन का ना ऐसी है इट लाइक इन ऑकेस्ट्रा इन योर बॉडी सो इवन इफ वन इज अप एंड डाउन योर एंटायर बॉडीज ऑकेस्ट्रा इज मिस एंड यू नीड टू Sort of just, you know, fix your lifestyle in a way that suits your body, which is why I'm not sharing main kya hu, what I eat in a day. What I'm not doing a lot of that because what I'm eating might not be what you can eat and then have the same lifestyle, like mine or the same difference in your body. That's why I honestly, many of you have been consulting me personally, I consulted a nutritionist. I asked if I was a trainer and I worked out and I said, Oh, I'll eat healthy. Eat healthy means I'll cut sugar and I'll just, you know, avoid outside food. So that used to be my definition. फिनिशन ऑफ ईटिंग हेल्दी बट नाउ आई वंडस्टूड एज अ कॉन्टें क्रिएटर एस्पेशली बिकॉज मैं ट्रैवल भी बहुत करती हूँ मुझे वो नहीं जमेगा लाइक आउटसाइड फूड क्या होता है आधा टाइम तो मैं बाहर ही होती हूँ तो आई हैव टू ईट फ्रॉम आउट मैं भूख ही नहीं रह सकती बाहर रहूंगी तो दैट्स मन आई रियलाइज के मे बी आई शुड कंसल्ट न्यूट्रिशन एजली वे आई विल यूनो सॉट ऑफ बैलेंस माई कॉन्टेंट क्रिएटर लाइफ एंड माई हेल्थ एंड दैट रियलाइजेशन हिट मी लास्ट ईयर ओनली बट ये साल लाइक जैसे ही न्यू ईयर शुरू हुआ आई टुक द रेजोल्यूशन के मैं अपने आप पर ध्यान दूंगी एंड इट्स Paying back. The next question is Is there anything more coming up with Pack or any other collab? So, Pack Sara was something that was in the making since a year and a half, like you'll know. Pack Sara was also my first time doing a product collab. I a brand प्रोडक्ट को नहीं किया था एंड मी देप फॉमलाइडिंग जो उनके पास था ही, तो ये पूरा उन्होंने स्क्रैच से मेरे साथ डिवेल्प किया इसीलिए डेढ़ साल लग गए हो गया मेरे लिए पर्सनली और मेरी सारा स्कोर्ट के लिए भी की अगर अब कुछ करना भी है तो वैसा करना है उससे बेटर कुछ करना है उस से कम तो कुछ नहीं करना है वर्किंग विद पैक टीम वॉज अमेजिंग माशाला लाइक they were so responsive to everything that I wanted as a creator. They were never negligent. मालूम है कि बोलिए इसको नहीं मालूम है इसको प्रोडक्ट नहीं मालूम है They really took me seriously. जो भी मैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में बोलती थी फीडबैक देती थी हर एक चीज सीरियसली टेक मी सीरियसली एंड टेक माई फीडबैक सीरियसली And they डिप products according to that. Not just products. Even the marketing campaign में I sat with द टीम एंड आई टोल द मुझे ऐसा मूड बोर्ड चाहिए मुझे ऐसा दिखना है मुझे ये वीडियो ऐसा चाहिए हर एक चीज राइट फ्रॉम द मूड बोर्डिंग टू द फ दीडियोज द फोटो शूट हर चीज मेंच माइंड ब्लोइंगूट लाइक मेरी सबसे बड़ा शूट था आर हायर लाइक डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड बड़े बड़े वो जो कैमराज होते हैं ना लाइक जैसे मूवी टीवी शोज में यूज करते हैं वैसा लाइक मैंने आज तक ऐसा शूट किया नहीं है मैं मैक्स टू मैक्स अपना कैमरा लेकर शूट करती हूँ ज्यादा से ज्यादा आई हायर वीडियोग्राफर एंड इट ओनली माई वीडियोग्राफर एंड मी इन द फ्रेम एंड इट्स नॉट अ लॉड ऑफ पीपल सो that was huge that was really really intense and it was also very exciting because mujhe apna potential bhi woh shoot se samjha. एक्चुअली चालीस लोगों के सेट पे मैं परफॉर्म कर सकती हूं मुझे खुद को स्टार्टिंग में इतना डर लग रहा था कि आई लाइक शिट ये लोग लोग सब लो मुझे देख रहे हैं और मुझे अपनी लाइन बोलनी है या मुझे एक्टिंग करना है एंड मैं थोड़े प्रोफेशनल एक्टर हूं मैंने कभी इसका स्कूल नहीं लिया मैं हेड आई वॉज नर्वस बट देन साक्षी वॉज टेलिंग यू और डूंग रियली वेल लाइक एक दो टेक में मेरा टेक हो जाता था एंड साक्षी वॉज लाइक सो शी वॉज रियश्योरिंग मी दैट दे आर वेरी हैप्पी एट द बैक एंड बिकॉज द दॉर्ट दे वर गेटिंग दे वर वेरी हैप्पी विद और एक दो शॉर्ट में दे सो दिस आई एज ग्लैड बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट प्लेस मैं अपना पावर दिखा सकती थी बिकॉज तो वो लोग ही मेहनत कर रहे थे ना प्रोडक्ट में पूरा उनका मेहनत था द केम दैट वाज व्हेन आई हैड टू परफॉर्म वाज लाइक सो नर्वस इन माय हेड बट माशाल्लाह इट लाइक जस्ट द वीडियो दीडियो आउट सो वेल एंड

ट्राइंग टू जस्ट फोकस ऑन दैट एंड नॉट ऑन दोडक्ट है ये सारे ना सबसे पॉपुलर क्वेश्चन मैं पहले ले रही हूँ इसको सबसे ज्यादा लाइक्स मिले दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम वेर डिड दिस प्लान ऑफ लॉन्चिंग योर ब्यूटी प्रोडक्ट विद पैक का तो ये मेरा आइडिया नहीं होता है यूजली ब्रांड्स टेक इंटरेस्ट इन यू एज अ क्रिएटर लाइक जो हम काम डालते वीडियोज़ ऑफ़ माइंड आर प्रूफ ऑफ माय वर्क सो यही सब देख के जो आप लोग मेरी ऑडियंस मेरे से जुड़े हुए हो एंड जो कम्युनिटी मैंने फॉर्म की है वो सारा कुछ टेक्स इंटरेस्ट इंटरेस्ट इन कोलैबोरेटिंग विद यू नॉट जस्ट पैक एनी कोई भी अगर भी अगर पेड कोलैबोरेशन होता है तो हम सामने से इतने काम नहीं करते जितना ले इफ आई गो टू अ एंड टेल देम मुझे आपके साथ ये वीडियो करना है 99 like, 1 time, yes, they, you know, आपको बहुत फ्यू अभी भी इंडिया में ऐसा हुआ नहीं है कि आप एक आइडिया लेके एक ब्रांड के पास जाओगे और वो लोग इंटरेस्ट लेंगे अभी भी ऐसा ही चल रहा है इंडिया में कि ब्रांड्स विल टेक इंटरेस्ट इन यू सो ऑफकोर्स पैक came to me and came to my team and they wanted to collaborate with me so we took it forward from there and as a brand I have Packy products products I absolutely love that in India they give you that quality in that price range and they give you shade variety It's vegan cruelty free all of that matters but inclusivity also really matters because as a teenager I felt really left out from the makeup community and I used to whitewash my face as a teenager and use Sabrina's foundation which is 7-8 shades lighter to me and uska foundation shade

This is in the shade 350 Medium Cool and good Foundation. It suits me also really, really well. The next question we have is one of the most asked questions. Oh my god, I'm not question to answer question. Have you ever thought about going to Shark Tank for your coffee co brand for the funding and collaboration? I have already impulse pe bhi kar rakha hai, I'm just gonna keep it very short and crisp. Yes, I have considered it, but I have not decided to go ahead with it. And two three reasons for that I have given on Impulse's channel, mainly. मुझे अभी फंडिंग चाहिए नहीं इम्पल्स कॉफीज के लिए बिकॉज मैं रेडी नहीं हूँ एज अ फाउंडर to take investor funding it's not just money which they log dalte apki company they have expectations from you they want your money to grow in a certain sort of way the right investors are very much needed yes it's amazing marketing for impulse coffees like marketing going Shark Tank I'm gonna plan it like I know that Shark Tank is doing so well in India like season 11, 12, 13 it's not something that is gonna shut down anytime soon and neither is my company inshallah so I will go when I am ready when did the idea of impulse coffee is realistically starting that you said yes to it so i've made a full video like i've made series of videos actually three videos in my channel pe explaining how impulse coffees came to life

फॉर मी कॉफी बिकेम लाइक अ पैशन एंड मुझे हमेशा से था कि जिस दिन मैं बिजनेस करूँगी ना बिकॉज माई डैड इज ऑल्सो बिजनेस मैन इफ आई वॉन्ट टू डू बिजनेस एंड आई वॉन्ट टू लाइक जस्ट जॉइनस आई कुड जॉइन हज बिजनेस लॉन्ग बैक फ्राम हाउ जब भी पप्पा को बिजनेस करते हुए देखती थी मुझे ऐसा लगता था नहीं भाई मुझे बिजनेस नहीं करना है कुछ भी करना है मुझे बिजनेस नहीं करना है पूरा बचपन में वो ही बोलती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था एक ही तरीके का बिजनेस होता है जो पप्पा करते हैं एंड माई डैड इज इन द मैन्युफैक्चरिंग लाइन हिज लाइन ऑफ बिजनेस इज वेरी डिफरेंट एज अपोज टू माई लाइन ऑफ बिजनेस लाइक उनका बहुत क्रूड है उनका एकदम मैन्युफैक्चरिंग लाइन में द वे दे टॉक द वे डील विथ थिंग्स बहुत लाइक एकदम रफ एंड टफ है और मुझे इतनी मजा नहीं आती थी ना ही मुझे कॉपोरेट जॉब करनी थी इसलिए आई वॉज ऑलवेज श्योर की मुझे तो डॉक्टर ही बनना है मुझे मेडिकली करना है मुझे ऐसी जॉब चाहिए जहाँ आई कैन इंटरेक्ट विथ पीपल वन ऑन वन एंड दैट वॉज माई मेन जॉब गोल विच इज वाई आई वेंट एंड यू नो इवन वन आई डेंटेट एम बीबीएस मुझे ऑक्यूपेशनल थेरेपी से भी मैं बहुत खुश थी बिकॉज आई वॉज स्टिल इन द सेम हॉस्पिटल इन वो I was still getting to interact and make a difference to people's lives one-on-one -on -one. and I loved that like I loved my years in College after I decided to stop doing OT So when lockdown happened, a lot so, Lockdown in my life life

विद कॉमेंट्स ये सब चीज़ों का मुझे पहले टाइम नहीं मिलता था, था कॉलेज के साथ कि मैं कॉमेंट्स कॉमें का रिप्लाई दूँ या किसी से बात करूँ या जो मेरे सब्सक्राइबर्स बोल रहे वैसे मैं वीडियोज बना पाऊ बिकॉज जब तक कोई कुछ मांगता था मैं ऑलरेडी कॉलेज में होती थी एंड देन वीक वुड पास एंड जस्ट यू कुडन बी कंसिस्टेंट एंड वन की विथ कॉन्टेंट क्रिएशन इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट one thing people ask me like what is so difficult about this job showing up is the most difficult thing about this job i can tell you that much that no matter what no matter where i am no matter what i'm doing i always show up like i never like be it whatever like maybe surgery or you maybe halatkarabho maybe taberedi baryet पास सेवन ईयर्स में खराब हुई है मैं दुनिया घूमू मैं कुछ भी करूँ बट आई ऑलवेज शो अप एट माई जॉब आई मेक श्योर दैट आई एम पोस्टिंग थ्री टाइम्स वीक दैट डिसिप्लिन is very important because that consistency is what has brought me to where I am today mashallah that is the द मोस्ट part पार्ट बिकॉज शोइंग अप एवरी डे इज नॉट tum तुम लाइक सिर्फ लॉग इन करो और शायद अगर तुम्हारी तबियत खराब है तो तुम थोड़ा यू नो ईजी ले सकते हो अपने जॉब पे एक बार कैमरा ऑन हो गया यू कैन टेक इट ईजी यू हैव टू बी योर बेस्ट So that's the difficult part, and I did my best in the lockdown. I grew my channel, it went from

Back up and which is why I started entertaining the idea of going into business. Again, like I said, like I always wanted to do something I was passionate with. When people were hunting jobs on the side after finishing our degree during internship and at the end of the internship, do keek, to job bhi rahi thi, but at the same time, I was testing samples with manufacturers for coffee. So I was looking at, you know, I was doing these courses online and I was अंडरस्टैंडिंग के बिजनेस कैसे इंडिया में रन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स दैट आर लाइक पप्पा का बिजनेस मॉडल इज वन बिजनेस मॉडल बट वे आर लॉट्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स डी टू सी एंड बी टू बी एंड दिस इन दैट एंड कितनी सारी चीजें आप कर सकते हो बिजनेस में तो आई वॉज अबाउट इट आई वॉज लर्निंग ऑल ऑफ दैट एंड आई टेस्टिंग कॉफी सैम्पल्स तो वो एक चस्का चढ़ गया था कि हाँ करना है तो कॉफ़ी करना है और कैसे करना है मतलब मुझे मैन्युफैक्चरिंग लाइन में घुसना है कि मुझे डी टू सी करना है कि मुझे क्या लाइक वॉट इज द रीजन वाई आई वॉन्ट टू गेट इन टू कॉफी लाइक My goal was to get really good quality coffee. Then that would be like, I would have to be in the premium section. I couldn't be affordable because how would I meet prices while giving really good quality? So that was a challenge. So things I back and forth, didn't tell anyone Even my best friends didn't know that I was Like I was doing that alone. Like the first round of testing I was doing alone. I got a job as an occupational therapist at a clinic and I was doing content creation. Like during that time, I was genuinely going mad and I was feeling like, what am I doing? Like

i have a paying job honestly as an o2 weeks they were like you try and see if it's working out so it was such a gray area where i was like okay but you know there needs to be a conversation at some point how much am i going to make from here because मुझे पूरी लाइफ अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना है ऐसा नहीं है कि कि आई आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड मेरे पेरेंट्स मेरा ध्यान नहीं रख सकते इफ टेल देम मुझे काम नहीं करना है मुझे आप लोग के पैसों पे रहना है वो लोग ध्यान रख लेंगे मेरा बट मुझे वैसा रहना ही नहीं है मुझे हमेशा से इंडिपेंडेंट मैं बहुत खुददार हूँ आई डोंट लाइक पेइंग फॉर मी आई लव स्प्लिटिंग माई बिल्ड आई लव पेइंग फॉर पीपल बट फॉर मी आई एम ऑलवेज वेरी लाइक मुझे खुद का ही करना है आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट जितना हो मेरा हो वैसा मेरा हमेशा से रहा है जॉब एंड आई नीडेड अब आई नीडेड टू पे माई बिल्स आई वॉन्ट इटार्ट पेंग माई बिल्स पूरी लाइफ रखेंगे मोर कॉफी सैम्पल्स वर नॉट वर्किंग आउट द फर्स्ट राउंड ऑफ फुल मैनुफेक्चरिंग लाइन जो भी मैंने टेस्ट किया सारा ही बकवास सैम्पल्स निकले कुछ भी अच्छा नहीं था कुछ मजा ही नहीं आता ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि इंडिया में नही है लाइक इफ आई वुड ड्रिंग समथिंग हाई ये ब्राइ भी ये कर रहा है हाँ ये ब्रांड भी ये कर रहा है ये सब मैंने टेस्ट किया है तो वैसा वाला फील आ रहा था तो फिर मुझे मजा नहीं आया था ना मतलब चॉकलेट लाइक नहीं करते बिजनेस इज बैड आइडिया मेरे लिए नहीं है कॉफी का अगर मुझे माई पेरेंट्स दिस वॉज अराउंड द सेम टाइम दैट ईशान वॉज गोइंग टू बी बॉर्न दैट इज माई सिस्टर्स सन माई पेरेंट्स वॉन्टेड टू रेंट अ नदर हाउस फॉर सबरीना टू वेन शी विजिट्स आर हाउस बिकॉज हमारा टू बी एच के है एंड दादी भी थे तभी तो हमारी काफी बड़ी फैमिली थी हैव छोटू वी हैव दादी एंड वी आर माई पेरेंट्स मीडिया

About it but then when i told them i will rent a house they were like you're making money through this like where is this so then i had to tell them that see इट्स नॉट कंसिस्टेंट मनी ऐसा नहीं की मेरे को हर महीना चालीस हजार आता है बट आई ट्राई माई बेस्ट क्योंकि मेरे को एक दो कोलेबोरेशन आते थे महीने की और बहुत कम अमाउंट में और मेरे को यूट्यूब एडसन से थोड़ा सा पैसा आता था तो वो सब मिला के इतना मुझे मिल रहा है एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट की मैं उसको ग्रो करूँ बट उसके लिए मेरे को टाइम और जगह लगेगी सो आई थिंक इट्स बेस्ट की मैं निकल लेती हूँ यहाँ से और सबरीना कैन से रोम दैट वॉज मेड फॉर ह अनाज एंड आई विल गेट माई ओन स्पेस और शायद मैं अच्छा लगे अगर कॉन्टेंट बना पाऊँ यू गिव मी सिक्स मंथ्स टाइम अगर मैं बना ली अच्छा कॉन्टेंट और मेरा चैनल चल गया और थोड़ा लाइक इफ दैट फोर्टी मी ड्रॉप ओटी फॉर अगर मैं ओटी भी की और ये भी की तो मैं नहीं कर पाऊंगी और मेरे से नहीं हो पाएगा एंड दैट माई मॉम वॉज नॉट ओके माई डैड इज वेरी चिल तो ही like, जो ठीक लग रहा है मेरी मॉम ने बहुत लाइक like, सोचा की तेको अब्रॉड अगर जाना हुआ तेरी डिग्री लाइक यू नो गैप नहीं ले सकते है. तो अगर गैप लिया तो आपको अब्रॉड में क्वेश्चन करेंगे तुमने ये साल में विल वो

अब तक जाना ही नहीं है तो तू बोल रही है हम लोग झगड़े होते थे हम लोग एकदम लाइक पीसफुल बैठ के कॉन्वर्जेशन करते थे इसके बारे में बिकॉज ये मेरी करियर की बात है कलेष का टॉपिक नहीं था बट आफ्टर लॉर्ड बैक एंड फोर्थ वे अलाउड मी टू मूव आउट एंड लेट मी िएशन एंड गिव इट अट लाइक अ रियल शॉर्ट आई गेव इट माई ऑल इन दैट सिक्स मंथ मां बाप को प्रूव करना है पूरी पूरी कोशिश करनी है कि क्रिएट अर्ड कॉन्टेंट मैं इंस्टाग्राम पे बहुत पोस्ट करने लगी मैं बहुत स्ट्रैटेजिकली पोस्ट करने लगी आई स्ट्रेटेजा रियली वेल के हाँ ये वीडियो डालो तो ज्यादा व्यूज आते ये वीडियो डालो तो ज्यादा ये ऐसा करना चाहिए करना चाहिए मैंने बहुत सीरियसली उसको एज ए जॉब ले लिया सारे ब्रांड कोलेब्रेशन जो आते थे आई स्टार्टे लुकिंग इन टू दैम माई सेल्फ पर्सनली बिकॉज आईज शुड नॉट लाइक मेरे को आज से ज्यादा ई मेल आते तो मैं इंटरटेन नहीं कर पाती थी बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होता था सो आई रियली सीरियसली टूक अप्रिएशन फॉर सिक्स मंथ एट दिस पॉइंट आर वॉज माई फोर्थ ईयर ऑफ क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड

whole thing and yeah when i was living alone i had a lot of time to myself so the idea of impulse coffees came a lot of times but i really took it seriously when i was alone and i feel like when you're alone that's why i always encourage ki sab insano ko zindagi mein kabhi na kabhi akele reh ke dekhna chahiye ये जो आप अपने आप के बारे में discover करोगे ना आप में कितना potential है आप क्या actually कर सकते हो जब आप अकेले हो That is unlike anything else. Like what you are truly, truly capable of, you'll come to know when you have nobody around you also, that noise is not there. And nobody to support you, also. Like, the, you're on your own, kid. Like, you know, figure your life out. Okay, that was a very big pep talk. The next question is mostly about people asking who is your new assistant and who is your new team. So, as you all know, that Sakshi left last year in December. That was her last year of working. A lot of people still can't realize that Sakshi's left. She had her own reasons to leave, which I've said Kate will not be a part of a vlog, guys one thing i feel like, you know, very difficult for y'all to understand. i know my life lifestyle vlogs, that you log so many teams, say se, family, se, sab se jaate ho subset, kisi ko so dekhna and bhi unki yaad aati hai and i understand like Sapshi and i are still friends and we check up on each other. and that is there. but he had her reasons to leave and i understood that like there was nothing i could do to help her at that point. she's working somewhere else now. and bixi also you're asking a lot about, unfortunately, dikshita ka reasoning is already out in the last q&a video which i wouldn't have wanted. To but because a lot of people followed her on Instagram, they found out that she lost her father, and that's the reason that now she can't work as a freelancer anymore. So she's also got a full-time job, so she also cannot edit my videos anymore. So that's the major reason why my older team just is not there, and I have a fresh new team now. As for editors, I have always worked with freelancers. Hamisha Diksha is not a very good team charge or editors. It's humanly impossible to edit my videos, all of them together.

wherever whatever you can do as long as you're doing my work properly you can do whatever you want to do and as for who's my new assistant her name is sharon you must have already seen her in vlogs she's amazing like right? she's

सेम टाइम माई बिजनेस वॉज ग्रोइंग मेरे लिए इम्पल्स और सारा और उसके बीच में कोई लाइन नहीं हुआ करती थी एंड आई नीडेड सम हेल्प सो देश रिक्रूटमेंट एंडी एट कम सोम आई थिंक लाइक वन एंड हाफ ईयर पर शी लेफ्ट राइट सेबर में पूजा निकली थी एंड ऑफ सेप्टेम्बर में तो स्टार्ट ऑफ सेप्टेबर में शिकेम एंड ऑफ सेप्टेबर में पूजा लेफ्ट एंड साक्षी टाइम शी स्टेड एज माई पर्सनल असिटेंट एंड शी ग्रो इन टू माई असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर्स रोल और जॉब वॉज स्टिल नॉट मैनेजिंग माई ब्रांड डीज दैट इज स्टिल पूजा जॉब आज भी पूजा ही कर रही है सो दैट पार्ट ऑफ माई ब्रांड मैनेजमेंट टीम इज स्टिल सेम बट आई डोंट नीड पीपल फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन लाइक हेल्प अभी जब शहरिन आई है लाइक एट दिस पॉइंट आई डेफिनेटली डो नीड एन असिस्टेंट आई कैन नॉट डू विदाउट बिकॉज मेरी लाइफ यू नो इतनी क्रेजी क्रेजी लाइफ है एंड माई

उसका मेजर ऑडियंस इज मेल ऑडियंस वेर इज माई मेजर ऑडियंस इज फीमेल ऑडियंस दैट मीस इंपल्स की मेजर ऑडियंस भी फीमेल ऑडियंस है सो करेंटली वी आर ओनली लाइक हम लोग ने आज तक पेड़ मार्केटिंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग सब चीजें की नहीं है ना हम लोग ने कभी भी एड किया जितना भी है मेरे थ्रू ही इम्पल्स वर्ड ऑफ माउथ फैला है एंड दैट इज इट दैट इज द बिजनेस ऑफ इंपल्स कॉफी बट नाउ आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ यू नो जस्ट एडवर्टाइजिंग इट इन अ वे के हम लोग मेल ऑडियंस तक भी पहुंचे वी रीच बिजनेस मैन लाइक आई वॉन्ट पीपल हुक्चुअली ऑब्से तो वो कॉफ़ी जिनको रोज लगती है कॉफ़ी वो लोग हमारी कॉफ़ी पिए नो के इम्पल्स में अभी भी बहुत स्कोप है वो बहुत जगह जा सकता है और मुझे वहाँ उसको लेके जाना है और उसके लिए मुझे अपना टाइम और एनर्जी उधर देना है स्टार्टिंग अनदर बिजनेस एंड देन Just, it's not going to be fruitful. I would love to do more product collaborations. Though I'm using my palettes, Fudge Fajmi, not blush, and I think this is also like something that. मुझे इतना मजा है ना ये like I a product develop but I didn't see the business side of things the marketing side of things so I am very good at my marketing brain is good I feel personally and back was also very happy with my marketing brain. सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग इज वॉट आई एंजॉय द मोस्ट इंपल्स में भी मोस्टली मैं वो ही देखती हूँ आई वुड लव टू डू मोर प्रोडक्ट कोबरेफ देर आर ब्रांड्स दैट वुड डू एज गुड एज पैकड विद मी

वन बी के नहीं जमता था बिकॉज मेरी टीम को भी मेरे ही घर से काम करना है तो वो लोग लाइक लो मेरा घर मेरा घर ही नहीं है मेरा घर मेरा ऑफिस है मेरा घर है मेरा सब है वो घर की उतनी वैल्यू है मेरी जिंदगी में क्योंकि मैं पूरा टाइम वो घर पे हूँ प्लस बिकॉज आई हैव टू बिजनेस आई कैन कम्बाइन द इनकम ऑफ बोथ माई बिजनेस अगर इम्पल्स को भी ये जगह यूज करनी है इट्स ओनली फेयर कि मुझे इम्पल्स से भी पैसा लेना चाहिए एंड दैट्स दैट आई मेड द कि डिस हाँ, इतना पैसा आई विल टेक फ्रॉम इम्पल्स इतने मेरे म्यूचुअल फंड है इतना मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है इतना मेरी सेविंग्स अकाउंट में है ये सारा कुछ जो भी घर का डिसीजन था ना सारा कुछ मेरी बड़ी सेविंग्स में से हुआ है नथिंग वॉज द करेंट इनकम दैट आई हैड नथिंग वॉज द रनिंग इनकम everything was something that i have been saving up for years and अगे म्यूचुअल फंड इज अ ग्रेट वे टू इन्वेस्ट योर मनी इफ अंबड़ी टेल्स मी यू डोट डू म्यूचुअल फंड इन टुडेज डेट एंड एज आई थिंक यूर रियली स्लीपिंग ऑन मल्टीप्लाइंग योर मनी बिकॉज आप काम भी करो आप सैलरीड एम्प्लॉय भी हो अगर आपकी तीस हजार की सैलरी भी है तो उसमें पंद्रह हजार आपको म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए और ऐसा नहीं कि पूरा पंद्रह हजार म्यूचुअल फंड में डालो दस हजार म्यूचुअल फंड में डालो पांच हजार अब गोल्ड में डालो लाइक यू नो सोर्स में डालो लाइक पुट योर एग्ज इन ऑल बास्कट एवर पुट ऑल योर एग्ज इन वन बास्कट आई ऑलवेज सी दैट विद कितना भी आपका सोर्स ऑफ इनकम हो आपको डिवाइड करना चाहिए और आपकी ये जो सेविंग्स है ना जो आप गोल्ड में डाल रहे हो और आप म्यूचुअल uh, फंड्स में डाल रहे हो वो जिस दिन मल्टीप्लाई होकर okay, वो एक स्टैंडर्ड पे आएगी ना तब आपको पता है कि हाँ अब मैं घर खरीद सकती हूँ मैंने जब मुझे वो घर लेना था जब मेरा रेंटल एक्सपायर हुआ आई फर्स्ट मैसेज माई म्यूचुअल फंड मैनेजर एंड आई वज लाइक हाउ मच डू आई हैव एंड देन आई चेक ऑल माई सेविंग्स अकाउंट्स एंड देन आई देम्पलस प्रॉफिट्स आई स्पोक टू माई सी ए वी हैड मीटिंग्स आफ्टर मीटिंग्स एंड देन आई वज लाइक ओके इतना मैं डाउन पेमेंट कर सकती हूँ देन आई वेन टू अ होम लोन मैनेज एंड सर कि अब मेरे पास इतना है मुझे इतने का होम लोन चाहिए एंड जब मेरा होम लोन अप्रूव हुआ तो होम लोन प्लस मेरी लॉन्ग टर्म सेविंग्स से यह घर खर खरीदा गया है नथिंग वॉज लाइक अ वन डे थिंग राइट मैं टू थाउजेंड ट्वेंटी से कमा रही हूँ माशा और मेरा काफ़ी पुराना चैनल है विद सोशल मीडिया द इज वन थिंग वैन यू मेक मनी यू मेक अ लॉर्ड ऑफ मनी वैन योर नॉट मेकिंग मनी और नॉट मेकिंग मनी

में रहना था जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं

i'm putting my time and effort and energy so that's a source of income for me so that was not expensive and going to singapore fund wise so then singapore trip to me running income so it's not like very savings here mere paas currently we kaam kar rahi hu. Toh jo paisa mujhe kaam se aa raha that i am putting in my travels because again I travel and I create content. तो उससे ही तो मेरा content बनता है So for me it's a circle. Like on my travels ऐसा नहीं कि मैं camera छोड़ देती हूँ phone छोड़ देती हूँ laptop छोड़ देती हूँ I'm like oh living my best life. I am creating content non-stop on my travels also. And travel content आप लोग को बहुत मजा आता है देखने के लिए so that does well for me. Views wise a lot of brands collaborate with me when I travel. So वैसे I can manage my funds during my travels. So for me traveling

सो एक्सपेंसिव टू मेक अ हाउस आई न्यू दिस ओके इट्स नॉट लाइक आई वे स्लीपिंग ऑफ दिस नॉलेज बिकॉज मैंने मम्मी पापा को बोला था कि मैं खरीद लेती हूँ और फिर मैं आई क्या का फोनिचर लगा के थोड़े साल निकाल लूँगी एंड देन मैं बाद में बनाऊँगी बट फिर मेरे में चिलमच गए कि मुझे वो दीवार तोड़नी थी वो किचन की और जब वो दीवार तोड़ाना वही से खर्चे बढ़ने लगे बिकॉज सिविल लेबर कारपेंट्री वुड Everything is is expensive. expensive. Like 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 just just to 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 a wall is 1 lakh. Like, I'm I'm just trying to wrap my mind around the cost of things. so, expensive. so 10 lakh Max to max I was Furniture like, मेरे पास है तुमको सिर्फ पेंट वेंट करना है एंड यू नो थोड़ा सा वॉलपेपर वगैरह लगाएंगे टाइल्स लगाएंगे अच्छा दिखेगा दस लाख दिस पॉइंट दस लाख किचन बन रहा है तो इट्सिव यूर डोट आस्क मी बजट एट दिस पॉइंट My parents are helping me.

मैं छोटी हूँ यार अभी भी मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ मैं छोटी हूँ मैं सिर्फ पच्चीस साल की हूँ इतना ज्यादा लोड लेना मेरे लिए भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है सो दे रियलाइज आर एंड दे हेल्प मी माशाला से इट्स नॉट अ लोन इट्स अ गिफ्ट सो माई पेरेंट्स हेल्पिंग मी इज जस्ट गिफ्ट फ्रॉम दिवो एट दैट पॉइंट घर खरीद ले जब मैंने बोली ना कि मुझे इंटीरियर्स करना है देवो लाइक तू कर हम मदद कर देंगे so, बट मुझे नहीं लेनी थी मतलब मैं पूरी कोशिश करी थी कि अगर दस लाख में हो गया तो मैं मैनेज कर लूंगी दस लाख अभी मैं क्या ही बोलू आपको लेबर ही उतना है आई लॉट ऑफ क्वेश्चन और जस्ट नॉट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप एज of now. Not spoken about my relationship status in a while and I know I used to in vlogs mein that day I have somebody, y'all will know. But today I want to say the day I am dating, y'all will not know. Like because recent turn of events, ke mujhe ke there are certain parts of my life that I just want to keep private. I want to keep it to myself. I will not be sharing about my love life till I am very very sure. Now just with me, recent turn of events, I have seen lately that breakup, breakup,

very many years but then i had a really bad date experience last year really like after that i was like bro i'm done like i'm done i'm so done so i came to retaliation and i deleted dono bumble hinge phone and i was like i have not gone on an online dating app at all and i don't go on dates <laughs> actively anymore uh जिस i'm ready to make it public I'll probably be very very sure about it. So, मेरे साथ ऐसा हुआ है हाल ही में मैं कोई भी फ्रेंड के साथ भी फोटो डालू कोई भी गाय फ्रेंड के साथ फोटो डालू शिपिंग एंड गॉसिप टॉकिंग अबाउट इट दैट आई एम सॉफ्ट लॉन्चिंग मतलब वो बंद की गर्ल फ्रेंड है सोचो आप लोग उसको कैसा लगता होगा पढ़ के जब आप लोग उसको मेरे साथ शिप कर रहे हो लाइक लाइक इफ यू डो इट विद अमित फॉर वन आई केग एड ग्रो उसको पता है like, मेरा भाई है वो उसको समझता है एंड ही अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क बट नॉट एवरी You can't expect एक्सपेक्ट सबको समझे यू you नो know, ऐसा ही होता है इंटरनेट की दुनिया में लाइक like, सब नहीं समझ सकते है. तो इसलिए मुझे अब प्रोटेक्ट करना है मेरे सब दोस्तों को भी प्रोटेक्ट करने लगी हूँ मैं कोई भी गाय फ्रेंड्स के साथ अभी फोटो भी नहीं डालती हूँ हम लाइक किसी को भी उठा के मेरे साथ चिपका दोगे एंड देन यू बी लाइक आर शिपिंग सारा है ना सारा है सॉफ्ट लॉन्चिंग और बॉयफ्रेंड हमने उसकी गर्लफ्रेंड है कोई और वो मेरा दोस्त है एंड मैं तुमको अभी कैसे समझाऊ दैट ऑल बिकेम सो कॉम्प्लिकेटेड एंड जब मैं जब से मेरे को ये सब समझा है ना इंटरनेट के बारे में तब से हम लाइक भाई जिस दिन मेरा कोई होगा वो सिर्फ मेरा होगा उसको मैं प्रोटेक्टेड ऐसे बबल ट्रैप में बांध के अपने पास रखूंगी <laughs> all the popular questions that you all had but just one closing question that i will take is asking me that you have achieved so many things at such a young age so what is the next thing you want to achieve and what is the next thing on sarah's dream bucket list i honestly don't know karkarina was such a huge decision and such a huge like फार ऑफ थिंग फॉर मी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी यंग एज में मैं अपना घर खरीद पाऊंगी या अपना घर बनाऊँगी तो ऑनसी ये भी चीज़ मेरी बकेट लिस्ट में थी नहीं सेम व पैकेज सारा कोलेब्रेशन वॉज ऑल्सो नॉट ऑन माई बकेट लिस्ट थिंग्स लाइक दिस आर जस्ट हैपनिंग एंड आई एम टेकिंग द अपर्चुनिटी एंड मेकिंग द मोट ऑफ इट

ऐसे सब मेरा कुछ नहीं है आई पुट एज इन अ टाइटल और अ डिस्क्रिप्शन इट्स नॉट टू से वाव मैंने ये एज में कर लिया इट्स टू से अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं ये एज में इतनी सारी चीजें कर पाऊंगी सो इफ आई कुड डू इट सो कैन यू बिकॉज आई नो अ लॉर्ड ऑफ सिक्सटीन ईयर ओल्ड सेवनटीन ईयर ओल्ड एटीन ईयर रूल्स ऑल्सो फॉलो मी आई अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा सा आता है एवन ओलर पीपल सी ये इतनी छोटी है इसने कर लिया और हम नहीं कर पाए बट You're never to hold for anything. Like, life is very long and life is beautiful, and as long as you put your heart and soul into something, I feel like you can really do your best. And I strongly feel if you're passionate about something, like if you want it your heart, then you it. So, on that note, we will end this video. I really hope you all enjoyed and had a beautiful Eid. If you like this video, give a big thumbs up. For today's video, SARS CoV goes to Swini, Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be a part of next year's SARS CoV you know what to do. Hit the subscribe button, bell icon right next to it, and also leave a comment down below video saying hashtag sarah squad and you get a chance to be a part of my next video sarah squad shot i will see you guys very soon another video bye guys love you Mwah.